नमस्कार, मैं हूं अनुष्का अग्रवाल। JNI न्यूज में आपका स्वागत है। जहां आपकी नजर वहां JNI की खबर। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। कोरोना काल में जहां एक ओर केंद्र व राज्य सरकार युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनपद के नगर पालिका परिषद की लापरवाही के कारण भयंकर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, साथ ही सभी नगर निगमों व नगर पालिका परिषदों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि शहर की साफ सफाई व सैनिटाइजिंग का कार्य पूर्ण रूप से कराया जाए। लेकिन जनपद की नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई के मामले में बिल्कुल सुन है। पूरे नगर पालिका इलाके में नाले हो या नालियां, सब भरी हुई हैं। हल्की सी बारिश में सड़क तालाब नजर आने लगते हैं। कभी कभार यदि किसी नाले या नाली की सफाई होती भी है तो कूड़ा नाली के किनारे लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की एक रिपोर्ट। परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में जहाँ के सभासद है भोलानाथ, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नालियाँ पूरी बदबजा रही हैं, जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इन लोगों की शिकायत है कि ये नालियाँ हम अपने हाथ से साफ करते हैं, यहाँ पर कभी न सभासद आते हैं और ना ही यहाँ पर कोई दफेदार आता है। चूँकि ये मुस्लिम इलाका है और दफेदार चूँकि जो है दफेदार भी अशोक कुमार है, और उसमें जो है सभासद भी उनके जो है वो भी भोलानाथ हैं, इसलिए इस क्षेत्र को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। जहाँ पर एक जरा सी भी सफाई नहीं होती है, जरा से रात को बारिश हुई है, पानी नालियाँ जाम है, जिससे महिला वासी साफ करते हैं। हम इनसे पूछ जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, ये अपने हाथ से नालियाँ क्यों साफ कर रहे हैं। अब ये क्या नाम है आपका? अखिल है। क्या मामला है, नालियाँ आप अपने हाथ से साफ कर रहे थे? नाली सब भर गए हैं तो अपने हाथ से साफ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल कूड़ा ही कूड़ा है सर। और ये बोला ना तो वो है सभासद और दफेदार भी नहीं सुनते हैं यहाँ पे। नगर पालिका ने कोई आते ही नहीं है। नगर पालिका में आपकी शिकायत नहीं की? नहीं, सभासद के थे। तो क्या कहा सभासद ने? सभासद ने कहा करवा देंगे, करवा देंगे। इस समय हम खड़े हैं जनपद के नगर पालिका परिक्षेत्र के वार्ड नंबर 25 किला में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नालों की क्या हालत है। इस तरीके से नाले पटे हुए कि जरा सी बारिश में यहां नदियां बन जाती हैं, लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। लेकिन नगर पालिका को कर लिए नींद सो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ संक्रमण फैलने की आशंका, लेकिन नगर पालिका परिषद के यो पवन कुमार के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं है, न उनके ऊपर सीएम के आदेशों का कोई असर है। वो सीएम के आदेश को ठेका दिखाते हुए केवल कागजों में साफ सफाई सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार कह रही है हम लॉकडाउन लगा रहे हैं जिसमें साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का काम होगा, लेकिन नगर पालिका परिषद है जहाँ पर न तो साफ सफाई है, जो साफ सफाई जो है उनकी कागजों में वो आप पीछे मेरे देख सकते हैं। इस तरीके की जरा सी बारिश में पूरे नाले और नालियाँ उफान पर आ जाती हैं, सड़कें पूरी नदियां बन जाती हैं, लेकिन इनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये बीजेपी की संजीवनी लेकर 5 साल से अधिक समय से आज भी नगर पालिका परिषद की कुर्सी पर जमे बैठे हुए हैं, जिसको इनको पूछने वाला कोई नहीं है, न कोई अधिकारी है, न कोई कर्मचारी है। वो कमाऊ पूत है बीजेपी के, इसलिए उनको हटाने वाला कोई फायदा नहीं है। और ये इसी तरीके उनका कहना है, चाहे नाली नाला पटे चाहे जो, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम कैसे सफाई करेंगे, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। जो पटा है पटा रहने दीजिए, बीमारी फैलती है फैलने दीजिए। यह है नगर पालिका के यो पवन कुमार का कहना। असद खान के साथ ब्यूरो अब्दुल कादिर।